बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस टाइम हैं हम लाल सुहामरा नेशनल पार्क में और अभी सुबह का टाइम है और भावलपुर में हमने रात गुजारी थी। तो भावलपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर है और आधे घंटे का सफ़र है। रोड बहुत अच्छा है, यहाँ तक आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाता है। अभी सुबह का टाइम है, फ़िलहाल यहाँ पे जिनका पार्क है वो खुद भी नहीं आए, लेकिन हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। फ़िलहाल हम एंट्रिंग में हैं और यहाँ पे थोड़े से परिंदे हैं, कबूतर और चिड़िया वगैरह, फाख्ता। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे जहाँ पर मेन वाइल्ड लाइफ एरिया है, जहाँ पर हिरन वगैरह हैं। ये आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है। एक तो मंडे है और दूसरा सुबह का टाइम है। ये इस साइड से सामने से एंट्री है और यहाँ पर झील है, ये सामने आर्टिफिशियल झील है। और इस साइड पे हैं कुछ मोर वगैरह और इधर भी सामने पार्क है बड़ा। ये वाला पिंजरा है चकोर का और ये है गनी फाउल, इसकी जो नस्ल है अफ्रीका की, डिफरेंट कलर में है, वाइट में और डॉटेड ब्लैक, बहुत खूबसूरत हैं। काफ़ी सारी तादाद में है, आप अंदर भी देख सकते हैं। वो सामने बहुत सारी दाना वगैरह चुग रही हैं। और उससे अगला है जी काका टो, हम उर्दू में इसे गिलहरी कहते हैं। और सामने एक बैठी हुई है, कैमरे से आए नज़र ना आए, वो सामने बैठी है। बड़ी सारी लकड़ी भी अंदर रखी है इनके चढ़ने वगैरह के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। द नेक्स्ट वन इज पीकॉक मोर और ये अभी फुल खुशी में है। इसने अपने पंख फैलाए हुए हैं, सामने से ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। अभी शायद इसका ये सीज़न है कि इसमें इसके पर कम है, लेकिन एक बार गिराते हैं दोबारा जब नए पर आते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा घने होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं। ये इसने कर दिया एंड, शायद हमारा आना इसको अच्छा नहीं लगा। और इसका नाम है नीला मोर क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कलर हैं खूबसूरत, इसके बाल ज़्यादा हैं उससे। और इसके अगले वाला है पाइड मोर, ये मिक्स है वाइट और नीला, काफ़ी सारे कलर हैं, कह नहीं सकते ये दो ही, लेकिन वाइट और जो ब्लू है वो ज़्यादा है। अगला पिंजरा भी इन्हीं का है और उससे आगे देखते हैं क्या है। अगले हैं खरगोश, सुबह के टाइम में भी रेस्ट कर रहे हैं, बैठे हैं ब्लैक वाइट और ग्रे कलर के। ये हैं जी बिल्कुल प्योर सफ़ेद, चेक करें उनकी खूबसूरती, वेरी ब्यूटीफुल।
ये कुछ मुश्किल सा नाम है, तो इंग्लिश में लिखा है लोफरा। पाकिस्तान में हिमालय नीलम वादी अकवान और मई वगैरह के एरिया में पाया जाता है। और ये थोड़ा सा मुर्गी की तरह है, थोड़ा सा कबूतर का शेड भी है इसमें। पर मोर ही मोर, ओहो माशाल्लाह इतने ज़्यादा मोर यहाँ पर हैं। ये देख ये इधर सामने वाला एरिया जो हिरन के लिए है, ये जंगल सा है और इधर हिरन रहते हैं। और इसके साथ पार्क है और सामने कुछ परिंदों के वो पिंजरे हैं बड़े, इस साइड पे भी ये ग्राउंड है। चलें देखते हैं उसमें क्या है। ओ, ये है जी राजहंस। बहुत खूबसूरत हैं, बतख की तरह हैं, लेकिन इनकी गर्दन उनसे काफ़ी बड़ी है बतख से। और काफ़ी सारे हैं यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत हैं, मस्ती कर रहे हैं, नहा रहे हैं अपने पानी में। टसी क्या लिखा है यहाँ पे जी, काला राजहंस ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, और सारा कुछ आप खुद पढ़ लें। ब्यूटीफुल। अब हम जा रहे हैं जहाँ पर हिरन हैं, चमकारा और चीतल हिरन, दो तरह के हिरन हैं यहाँ पर। देखते हैं कोई दिखता भी है कि नहीं। ये जगह है मेरे ख्याल से जहाँ पर हिरन हैं, लेकिन फ़िलहाल तो इधर कुछ भी नहीं दिख रहा। और आगे जाकर देखते हैं शायद कोई मिल जाए। बहुत पुरसकून और ख़ूबसूरत जगह है, लोग भी बहुत कम होते हैं वीकेंड्स के अलावा। वीकेंड में बहुत रश होता है यहाँ पर। अभी भी कुछ फैमिलीज आई हैं थोड़ी देर पहले। तो ओवरऑल खूबसूरत और पुरसकून जगह है। ये जगह है जी गेंडे की, वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। अभी तक तो कोई दिखा नहीं, शायद आगे जंगल में होगा। हिरन वाली जगह आगे ही है और इस वाले एरिया में हिरन है। ओ, बहुत सारे हिरन दिख रहे हैं अभी तो फिलहाल सामने। रेस्ट टाइम है इनका, घास वगैरह चर रहे हैं, खा पी रहे हैं। ये दो अकसाम है यहाँ पर, चिंकारा और चीतल। चीतल जो है ये इंडिया नेपाल बेल्जियम श्रीलंका का है, और जो चिंकारा है
ये हमारे पाकिस्तान में है, चोलिस्तान, थरपारकर, काला चिट्टा पहाड़ी सिलसिलों में। वो सामने बैठे हुए दो तीन तरफ। ये हिरन के बच्चे हैं छोटे छोटे। बड़े खूबसूरत और मुलायम से बालों वाले दिख रहे हैं। टांगें बिल्कुल कमज़ोर सी हैं इनकी लग रही, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत पावरफुल होती कि इन्हीं टांगों की स्पीड से ये भागती हैं, इन्हीं टांगों के ज़ोर से इनकी इतनी स्पीड होती है। हमारे इधर आने से ये डर के भागना शुरू हो गई। नाश्ते का टाइम है, हमने इन्हें डिस्टर्ब कर दिया। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए। अभी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये ताला लगा हुआ है, अंदर जाना मना है, लेकिन बाहर से आप चारों तरफ से रास्ता है, बाहर से आप देख सकते हैं। ये दो खड़ी अभी तक हमें देख रही हैं। ये वाला पिंजरा है बतख का, बतख हैं और कौवे भी हैं यहाँ पर। और सामने कौवे बैठे हुए, बंदा पूछे नहीं सॉरी कौवे बैठे नहीं हुए, रखे नहीं, लेकिन ये वैसे खाने आए ऊपर से। मैं समझ रहा था कि ये पिंजरा ऊपर से बंद है, लेकिन खुला है। ये देख रहे हैं कौवे उड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, ये बतख की खुराक खा रहे हैं यहाँ पर आके। लगता है ये वेलकम कर रही है हमें। कल संडे था और संडे वाले दिन जैसा कि आपको पता काफ़ी रश होता है हर टूरिस्ट पॉइंट पे, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर सामान फेंका हुआ खाने के बाद, तो फ्रेंड ऐसा ना किया करें। ये हमारे लिए जगह है और हम ही ने यहाँ पर आना होता है, तो ऐसे ही अगर गन डालते रहें तो एक दिन ये सारी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। तो वैसे भी सफाई नस्ब ईमान है, हमारे ईमान का जुज़्व है चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना, इसलिए हमें इन चीज़ों में थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। ये हमारे लिए ही हैं और हमारी ही जगह हैं, तो हमें इनकी सफाई का ख्याल रखना है। काफ़ी बड़ा पार्क है और अच्छी जगह है आने के लिए फैमिली के साथ, और अकेले भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, आएँ घूमें फिरें, रेस्ट करें, थोड़ा सा रिलैक्स हों। और अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर आप दूर से लालसवानरा आ रहे हैं तो ये भावलपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन यहाँ पर आपको PTDC का एक रिज़ॉर्ट मिल जाएगा। सॉरी TDCP है या PTDC, चलो उसका एक रिज़ोर्ट है
तो मेरे ख़्याल से अभी वो क्लोज़ है, तो अगर आप नाइट स्पेंड करना चाहें तो ज़ाहरी बात है आप बहावलपुर में रुकेंगे। उसके अलावा आसपास मेरे नॉलेज के मुताबिक यहाँ पर कोई भी होटल नहीं है। और दूसरी बात, बहावलपुर में आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे, अच्छे वाले भी और थोड़े से महंगे सस्ते भी। तो अगर आप सस्ते होटल की तलाश में हैं तो आप चले जाएं बस स्टैंड के पास, सस्ते लेकिन मियारी होते हैं वो भी। और वैसे तो जो महंगे हैं वो आपको हर जगह ही मिल जाएंगे, वो कोई मसला नहीं है। बहावलपुर एक प्यारा सिटी है और बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पर घूमने के लिए देखने वाली हिस्टोरिकल काफ़ी प्लेसेस हैं। अभी हम लाल सुहानरा पार्क में हैं, लेकिन इसके बाद हम जाएंगे नूर महल और इस तरह काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट डे जाएंगे हम दरावट फोर्ट, और उसके बाद हम एंटर होंगे सिंध में, और सिंध की बहुत सारी खूबसूरत जगह हम एक्सप्लोर करेंगे। तो बहावलपुर सिटी का भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो भी आप लाजमी देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह मेरे चैनल पे बहुत सारी खूबसूरत वीडियोस आती रहेंगी, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपका कोई किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छी तरह गाइड कर दूंगा। यह है मेन पार्क की बाउंड्री, इसके बाद आगे सारा जंगल है और यही मैनेज्ड एरिया है, वह सिर्फ जंगल है और वहाँ पे कुछ नहीं है। अगर गाड़ी हो तो वहाँ पर जाया जा सकता है, देखा जा सकता है। काफ़ी बड़ा जंगल है और रकबे का मुझे तो कुछ अंदाज़ा नहीं है। इससे आगे जंगल के चोलस्तान डेजर्ट है, ये डेजर्ट से पहले की खूबसूरती है।